ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಒನ್ಸ್ ಅಗೈನ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಇನ್ಫೋ ಪಾಯಿಂಟ್. अस्सलामु अलैकुम मोहतरम असातिज़ा इकराम, मौजूद असातिज़ा इकराम, आप तमाम को पता है कि 16 दिसंबर से उर्दू के निष्ठा मॉडल्स शुरू होने वाले हैं। इस सिलसिले में दीक्षा ऐप के ज़रिए से हम किस तरह से उर्दू मॉडल्स सर्च कर सकते हैं, इसके ताल्लुक़ से एक छोटा सा वीडियो यहाँ पे बताया गया है। दोस्तों, आप तमाम आपके एंड्रॉयड मोबाइल में दीक्षा ऐप इंस्टॉल करना जान चुके हैं और इंस्टॉल भी कर चुके हैं। जैसा कि आप यहां पे देख रहे हैं, जो दीक्षा ऐप यहां पे ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुका है। तो इस दीक्षा ऐप को ओपन करें। जैसे आपका दीक्षा ऐप ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे चार ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। आप देख रहे हैं यहाँ पे लाइब्रेरी है, कोर्सेस और इसी तरह से डाउनलोड्स और आखिर में प्रोफाइल्स भी यहाँ पे मौजूद है। सबसे पहले दोस्तों, आप दीक्षा ऐप में अपना प्रोफाइल चेक कीजिए, यानी आप लॉगिन हो चुके हैं या नहीं पता चलेगा आपको। तो इस तरह से आप फर्स्ट टाइम आपका प्रोफाइल यहाँ पे चेक करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको यहाँ पे ग्रीन मार्क का एक राइट मार्क आ चुका है। सो दिस इज़ अ सिंबल ऑफ रजिस्ट्रेशन। सो आपका नाम और स्कूल का नाम यहाँ पे इस तरह से डिस्प्ले होगा। तो दोस्तों, चलिए हम यहाँ पे मौजूद कोर्सेस आप जो देख रहे हैं, ये कोर्सेस बटन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। इस तरह से कोर्सेस आप सेलेक्ट करने के बाद आपको उर्दू मॉडल्स की तलाशी है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये जो सर्च ऑप्शन है, तो यहाँ पर और साथ ही साथ जो फ़िल्टर ऑप्शन है, इन दोनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों देखिए, सबसे पहले आप यहाँ पे सर्च ऑप्शन में आपको सर्च करना पड़ेगा के ए, और जो डैश मानिंद और एक यहाँ पे सिंबल दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये डैश नहीं है, इसको अंडरस्कोर कहते हैं। ये जो डैश जो नीचे होता है, तो अंडरस्कोर यहाँ पे टाइप करके आपको वन इस तरह से आप टाइप कीजिए, KA1 कर्नाटका के जितने भी मॉडल्स हैं तो वो आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। तो सबसे पहले मैं इसको सर्च करने वाला हूँ। सर्च इस तरह से आप सर्च करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे KA के बहुत सारे यहाँ पे मॉडल्स आपके सामने नज़र आ रहे हैं। थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करने के बाद आपको यहाँ पे नज़र आएगा KA1 दर्शियात और समोलियाती क्लास रूम। तो ये क्या है, उर्दू एक मॉडल है। तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स हुए हैं, ये दर्शियात और शमोलियाती क्लासरूम है, इंक्लूसिव क्लासरूम्स जिसको अंग्रेज़ी में हम कहते हैं। तो ये एक मॉडल है। इस तरह से आप अलग अलग मॉडल्स यहाँ पे आप देख सकते हैं। फ़िलहाल यहाँ पे फर्स्ट जो ये 15 डेज़ का कोर्स है, इसमें K1 K2 K3 सिर्फ यहाँ पे मौजूद हैं। तो दोस्तों आप इस तरह यहाँ पर K2 भी सर्च कर सकते हैं इसी सर्च बॉक्स में। तो KA टाइप करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे सिंबल्स में आना होगा। तो सिंबल्स में जो अंडरस्कोर ए ऑप्शन है, इसको टाइप करते हुए KA2 सर्च कीजिए और KA2 का यहाँ पे आपको मॉडल आपको नज़र आएगा जो उर्दू में मौजूद है। महफूज और सेहतमंद स्कूली माहौल तैयार करने के लिए कुछ यहाँ पे लिखा गया है, सामाजिक खूबियों का फ़रोग। तो इस तरह से आपको दूसरा मॉडल भी यहाँ पे नज़र आएगा। दोस्तों इसी तरह से आप तीसरा मॉडल भी सर्च कर सकते हैं। तो क्योंकि अब आपके सामने इस 15 माह में सिर्फ आपको 3 मॉडल्स ख़त्म करना है, सिर्फ यहाँ पे 3 मॉडल्स यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसी तरह से के टाइप करने के बाद अंडरस्कोर आप एंटर टाइप कीजिए और 3 टाइप करके फिर से आप इसको सर्च कीजिए, और इस तरह से सर्च रिजल्ट्स में आपको फिर से एक मॉडल आपके सामने नज़र आ रहा है, K3 स्कूलों में सेहत और तंदुरुस्ती। ये क्या है, आपके सामने तीसरा मॉडल मौजूद है। दोस्तों इस तरह से आप सर्च करके उनको सेलेक्ट करना होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे इस K3 मॉडल को सेलेक्ट कर रहा हूँ। तो सेलेक्ट करने के बाद आपके सामने स्कूलों में सेहत और तंदुरुस्ती, तो एक मॉडल यहाँ पे
आ चुका है दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पे ज्वाइन कोर्स, तो ज्वाइन कोर्स है, इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं। सो, नीचे क्या है, इस कोर्स के ताल्लुक से उर्दू में कुछ डिटेल यहाँ पे दिया गया है, इसको अच्छी तरह से मुताला कीजिए और कोर्स में आप शामिल हो जाइए। देखिए दोस्तों, एक मैं मिसाल आपके सामने बताता हूँ ज्वाइन कोर्स करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मौजूद है ज्वाइन कोर्स, तो इसको मैं ज्वाइन करने वाला हूँ। दोस्तों हम KA3 ने की KA1 लेंगे, क्योंकि हम सीरियल KA1 के बाद KA2 ले सकते हैं। तो चल, आप यहाँ पे तरतीब चेंजेस होने से क्या कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर भी हम KA1 यहाँ पे लेने वाले हैं। तो KA1 आपके सामने दरसियाती और शमूलियाती क्लासरूम है, तो इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे ज्वाइन कोर्स है उसको मैं क्लिक कर रहा हूँ। ये आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो कोर्स है ये क्या है, अवेलेबल फ्रॉम दिसंबर 16, तो दिसंबर 16 से ये अवेलेबल है। इसी तरह से और एक तरीका यहाँ पे मॉडल्स सर्च करने का और एक तरीका यहाँ पे मौजूद है। आप देख रहे हैं यहाँ पे जो कॉर्नर में फ़िल्टर ऑप्शन दिया गया है, ये जो दो लाइंस यहाँ पे हैं, तो इस दो लाइंस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। और क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे फ़िल्टर्स देख रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, मीडियम है, क्लास है, सब्जेक्ट है, तो आप यहाँ पे मीडियम के अंदर, तो यहाँ पे मीडियम जो ऑप्शन है ये मीडियम ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिए। और इसमें बहुत सारे यहाँ पे ज़ुबानें दी गई हैं, इसमें उर्दू जहाँ ज़ुबान आपको दिखाई देगी वहाँ पे इसको सेलेक्ट कीजिए और सेलेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ब्लू कलर में मौजूद है, इस बटन पे आप क्लिक कीजिए। तो एक मीडियम यहाँ पे ऐड हो गया है, सेलेक्ट हो गया है। सो आपको सेलेक्ट हुआ जो आप किए हैं तो उसको भी यहाँ पे आप देख सकते हैं, वन एडेड, वन मीडियम इज़ एडेड यहाँ पे बताया गया है, तो इसको आप अप्लाई कीजिए। तो इस तरह से अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेस यहाँ पे दस्तियाब होंगे, दिखाई देंगे। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, तो के जो यहाँ पे सीरीज़ आपको दिया गया है के ए के ज़रिए से, तो के ए सीरीज़ है, ये कर्नाटक के कोर्सेस हैं। तो के सीरीज़ के जितने भी यहाँ पे हैं वो आप देख सकते हैं। सो देखें, यहाँ पे एक ऑप्शन आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है KA3, तो KA3 यहाँ पे मौजूद है। इसी तरह से आपको KA2 भी सर्च करने के बाद KA2 भी मिल जाएगा। तो ये दो तरीके आपके सामने हैं, ये एक फ़िल्टर कर सकते हैं या तो, और एक जो यहाँ पे सर्च बॉक्स है तो सर्च बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे आसान जो तरीका है सर्च बॉक्स का है, तो सर्च बॉक्स आप में यहाँ पे सर्च बॉक्स में सर्च करके आप मॉडल्स को